एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस हिरासत में कैदी को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। आरक्षण को लेकर समीक्षा याचिका पर विचार। मुंबई त्रिवेंद्रम के बीच स्पेशल ट्रेनिंग। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर शहर में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक पेशी से लौट रहे आरोपी को पुलिस कस्टडी में ही बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। दिन दहाड़े सरेआम हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आरोपी पर 7 राउंड फायर किए, उसमें से 5 गोलियां उसे लगी। गंभीर रूप से घायल हुए हत्या के आरोपी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसके इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार वारदात शनिवार शाम को हुई। पुलिस जोधपुर सेंट्रल जेल से 3 आरोपियों को पाली किसी पेशी पर लेकर गई थी। शाम को वापसी में पुलिस उन्हें लेकर रोडवेज से वापस लौट रही थी। जोधपुर में भाटिया चौराहे पर रोडवेज की बस रुकी, इस पर पुलिस कर्मी और 3 आरोपी बस से नीचे उतरे। इसी के चलते कुछ बदमाशों ने कैदी पर गोलियां भून डाली। अगली खबर, केंद्र सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में इस तरह के आरक्षण को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अगर केंद्र सरकार की समीक्षा याचिका के बाद इसे बहाल करने को लेकर कोई फैसला आता है तो यह राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ी राहत होगी। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि वह इससे संबंधित एक बिल संसद में लेकर आए, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह की पहल करने की जगह सुप्रीम कोर्ट में जाकर समीक्षा याचिका दायर करना चाहती है। अगली खबर, रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एलटीटी और थीविम के बीच विशेष शुल्क पर पूरी तरह से आरक्षित 3 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। 01285 स्पेशल 22, 23, 28, 29 एवं 30 दिसंबर को एलटीटी से सुबह 4:35 पर प्रस्थान कर उसी दिन 3:50 पर थीविम पहुंचेंगी। 01286 स्पेशल 22, 23, 28, 29 एवं 30 दिसंबर को शाम 4:35 पर थीविम से प्रस्थान कर अगले दिन 3 बजे एलटीटी पहुंचेंगी। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।